स्टूडेंट्स वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स ईवीएस में लेसन 11 हाउसेस देन एंड नाउ इज कंप्लीटेड. ओके एंड प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. सो इन टूडेज वीडियो वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ओके सो टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड नोटबुक एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर ईवीएस नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ आर द मॉडर्न होम्स डिफरेंट फ्रॉम द होम्स दैट वर बिल्ट इन द पास्ट. जो मॉडर्न होम्स है एट प्रेजेंट जिनमें हम रह रहे हैं वो पास्ट में बने हुए भूतकाल में या फिर पहले के ज़माने में बने हुए घर से कैसे डिफरेंट है. ओके हमें डिफरेंस बताना है कौन से में. मॉडर्न होम्स मतलब आज के ज़माने के होम्स एंड जो होम्स पास्ट में बने हुए थे पुराने ज़माने में या भूतकाल में जो हाउसेस बने थे उनमें क्या डिफरेंस है. ओके स्टूडेंट्स सो हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट जो ओल्ड टाइम में जो हाउसेस थे वो कैसे होते थे. बीच में एक कर्टयार्ड होता था आंगन होता था एंड उसके चारों तरफ रूम्स होते थे एक लंबी कतार में. ओके एंड जो सीलिंग होती थी कमरे की जो रूम की जो सीलिंग होती थी वो काफ़ी ऊंची होती थी और रूम्स में वेंटिलेटर्स होते थे. एंड एट प्रेजेंट जो हम हाउसेस देख रहे हैं मॉडर्न टाइम में हम जो हाउसेस देख रहे हैं वो कैसे होते हैं. जैसे सिटीज़ में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उनमें जो फ्लैट्स होते हैं वो कैसे होते हैं कितने स्मॉल होते हैं. ओके स्मॉल जो प्लेसेस होते हैं उन्हीं में सब कुछ जो रूम भी होता है किचन भी होता है बालकनी भी होती है हॉल भी होता है बट वो सब क्या होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं जुड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रूम होता है रूम के अंदर ही जो लेट बाथ होता है वो अटैच होता है. इसी तरह जो बालकनी होती है वो भी रूम से निकल के बालकनी होती है. जो हॉल होता है वो भी छोटा होता है. किचन होती है वो भी छोटी होती है. पुराने ज़माने के जो हाउसेज होते हैं उनकी किचन के कंपैरिजन में आज के ज़माने में जो किचन होती है वो बहुत छोटी होती है. ओके स्टूडेंट्स तो कितना डिफरेंस है पहले के ज़माने के हाउसेज में एंड आज के ज़माने में जो हाउसेज है उनमें. आज के जो हाउसेज होते हैं वो छोटे होते हैं पहले के जो हाउसेज होते हैं वो बड़े होते थे. ओके सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है देखिए. In olden days, the homes had only one or two story with very high roofs. Okay? पुराने ज़माने में जो घर होते थे the homes had only one or two story. जो houses होते थे homes होते थे वो या तो एक तला होते थे या फिर दो तला. Means अगर होम है उसके ऊपर रूफ है एंड रूफ के ऊपर एक कमरा और बना हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं टू स्टोरी बिल्डिंग. ओके वन स्टोरी अगर केवल रूफ है उसके ऊपर कोई कमरा नहीं है तो वो वन स्टोरी हो गया. अगर रूफ के ऊपर एक या दो कमरे हैं तो वो टू स्टोरी हो गया. इससे ज़्यादा नहीं होता था पुराने ज़माने में. ओके विद वेरी हाई रूफ्स और जो रूफ होती थी वो काफ़ी ऊँची होती थी. ओके मॉडर्न होम्स आर मल्टी स्टोरी बट जो मॉडर्न होम्स होते हैं आज के ज़माने में जो होम्स होते हैं वो क्या होते हैं मल्टी स्टोरी. आपने देखी होगी सिटीज़ में काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. ओके एंड स्ट्रोंगर देन द हाउसेज इन द पास्ट. और एक डिफरेंस हो रहा है पास्ट में जो हाउसेज होते थे वो क्या होते थे इतने स्ट्रोंग नहीं होते थे. ओके बट जो मॉडर्न हाउसेस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं. क्यों दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड कॉन्क्रीट. मॉडर्न टाइम में काफ़ी फैसिलिटीज़ आ गई है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी हमें अच्छे से मिल गई है ताकि अगर जो अच्छा मटेरियल मिल रहा है हम फार ऑफ प्लेसेस से भी मंगा सकते हैं. अगर कोई प्लेस हमसे दूर है और उस दूर जगह पे अच्छा मटेरियल मिल रहा है तब हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प से अच्छा मटेरियल मंगा सकते हैं अपने हाउस के लिए. तो दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स वो ईंटों से बने होते हैं सीमेंट से बने होते हैं एंड कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट भी यूज में ली जाती है. ओके बट ओल्डन टाइम्स जो होम्स होते थे दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे. ओके सो फर्स्ट का आंसर एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. इन ओल्डन डेज द
the homes had only one or two story with very high roofs. Modern homes are multi-story and stronger than the houses in the past. They are made of brick, cement and concrete. Okay? तो first का ये answer हो गया. Now come on the second question. Second question क्या है? Why did homes in the past have ventilators and high ceilings? Past में जो homes होते थे उनमें ventilators और जो ceiling होती थी वो high क्यों होती थी, ऊंची क्यों होती थी? First of all, tell me what is ceiling? Ceiling किसको बोलते हैं? आप देखते हैं अपने room में जहाँ पर fan लगा हुआ है. ओके आप रूम में जब ऊपर चेहरा करते हैं तो ऊपर जहाँ फैन लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड सीलिंग, उसको बोलते हैं रूम की सीलिंग. ओके तो पुराने में जमाने में जो ये सीलिंग होती थी वो काफ़ी ऊंची होती थी. जो रूम्स होते थे उनकी जो हाइट होती थी वो काफ़ी ऊंची होती थी, हाई होती थी. ओके सो आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड होम्स इन द पास्ट हैव वेंटिलेटर्स एंड हाई सीलिंग्स. जो पास्ट में जो होम्स होते थे उनमें वेंटिलेटर्स और सीलिंग हाई क्यों होती थी? वेंटिलेटर्स तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं. आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो घर होते थे उनके रूम के अंदर वेंटिलेटर्स होते थे, रोशनदान होते थे. ओके रूम के ऊपर जस्ट एक छोटी विंडो होती थी. कहाँ? रूम के ऊपर की तरफ एक छोटी विंडो होती थी. उस वो विंडो क्यों होती थी? ताकि रूम का जो टेम्परेचर हो वो लो रह सके. ओके एंड रूम के अंदर जो हॉट एयर हो वो उस वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाए. ओके सो कमरे के रूम के टेम्परेचर को लो करने के लिए ये वेंटिलेटर्स होते थे. ओके सो इसका आंसर देखिए, वेंटिलेटर्स एंड हाई सीलिंग्स हेल्प टू मूव आउट हॉट एयर फ्रॉम द रूम एंड लोअर इट्स टेम्परेचर. वेंटिलेटर्स एंड हाई सीलिंग हेल्प करते थे किसमें? टू मूव आउट हॉट एयर, गर्म हवा को बाहर निकालने में फ्रॉम द रूम, रूम से. वेंटिलेटर्स एंड हाई सीलिंग्स गर्म हवा को रूम से बाहर निकालने में हेल्प करते थे एंड लोअर इट्स टेम्परेचर, और इसके रूम के टेम्परेचर को लो करने में, नीचे रखने में हेल्प करते थे. ओके स्टूडेंट समझ में आया सेकंड का आंसर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज अ स्लम? स्लम क्या होती है? डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन अ स्लम. आपको उन प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना है जो लोग स्लम में रहते हैं, उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको आपको डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज स्लम. हमने चैप्टर में पढ़ा कि स्लम्स क्या होती है. ओके सो स्टूडेंट्स आपने सिटीज़ में देखा होगा कि सिटीज़ के आउटसाइड एरियाज़ में मोस्ट ऑफ आपने छोटी छोटी झोंपड़ियाँ देखी होगी, छोटी छोटी हट्स देखी होगी, वो आपस में काफ़ी कंजस्टेड होती है, एक दूसरे से काफ़ी सटीक होती है, जुड़ी हुई होती है. एंड उनमें कौन रहते हैं? जो पुअर पीपल होते हैं. ओके वो लोग उनमें रहते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है. फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, क्योंकि जो स्लम्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, साफ़ सफाई वहाँ पे रहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहती है. और जो पीने का पानी होता है वो भी बिल्कुल साफ़ नहीं आता है, उसकी जो सप्लाई होती है वो भी काफ़ी पुअर होती है. कभी उनके पास पीने के पानी की सप्लाई होती है, कभी नहीं होती है. ओके सो वो लोग जो इन स्लम्स में रहते हैं, इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. ओके सो आपको आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है व्हाट इज स्लम, पहले आपको बताना है ये स्लम क्या है, फिर आपको बताना है कि जो लोग इन स्लम में रहते हैं, इन झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. ओके सो आंसर क्या होगा? अ स्लम इज अ पार्ट ऑफ अ सिटी और अ टाउन. स्लम एक सिटी या फिर टाउन का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, वेयर मैनी पुअर पीपल लिव इन स्मॉल हट्स, जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं. दीज पीपल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, लाइक लेक ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की कमी,
पोल्यूशन, वहाँ पर आसपास में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, एंड लेक ऑफ बेसिक नीड्स, यहाँ तक कि उनको बेसिक नीड, उनको जो पर्याप्त चीज़ें होती हैं वो भी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जिनको बोलते हैं बेसिक नीड, तो डेली यूज की जो चीज़ें हैं वो भी उनको वहाँ पर अच्छे से नहीं मिलती है। सो जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वही स्लम्स में रहते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो तो सिटी के अंदर, जो सिटी के अंदर वो जो महंगे महंगे फ्लैट्स होते हैं वो परचेज कर लेते हैं, बट जो पुअर पीपल होते हैं वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जो उनको छोटा मोटा मटेरियल मिलता है जस्ट लाइक टीन शेड एंड जो रॉ मटेरियल मिलता है उन्हीं की हेल्प से वो छोटी सी झोंपड़ी बना लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं। सो जो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ जो पास पास में बहुत सारी बनी हुई होती हैं उनको बोलते हैं स्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्लम किसको बोलते हैं। ओके आपकी बुक में फाइव क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, जिनमें से 1, 2, 3 ही आपको करने हैं, जो 4 और 5 है आपको नहीं करने हैं बिकॉज दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है वही आपको केवल नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 और 5 आपको नहीं करने हैं। सो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, प्लस आपको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।